बूंदी के सर्द मौसम के अंदर भी अपनी जिद और अपने लक्ष्य के लिए कि किस तरीके से जो हमने कौशल प्राप्त किया है, जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, जो हमने हुनर प्राप्त किया है, उस शिक्षा, उस कौशल, उस हुनर को हम अपनी सेवाएं देकर देश और राष्ट्र के नवनिर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, इसके लिए बूंदी, हाड़ौती संभाग, राजस्थान भर से आए मेरे युवा साथियों, माता और बहनों, मैं आपका इस हाड़ी रानी बूंदी के अंदर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में बूंदी के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, बूंदी नगर परिषद की चेयरमैन श्रीमती मधु नुवाल जी, तालेड़ा पंचायत समिति के प्रधान जी और स्किल डेवलपमेंट एनएसडी के मुख्य कार्यकारी वेदमणि तिवारी जी, रीजनल डायरेक्टर श्री नायक जी और देश की अलग अलग राज्यों से आए 80 कंपनियों के वो अधिकारी और कर्मचारी जो यहां पर इस कौशल मेले के अंदर मेरे नौजवानों को, मेरी बहनों को जो कुछ भी उन्होंने जीवन में सीखा है, शिक्षा से, कौशल से, उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है कि इस बूंदी के अंदर आज देश भर की 80 से ज्यादा कंपनियां आई है, जिसमें बड़ी कंपनियों के रूप में लार्सन एंड ट्रूबो आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर, अन्य क्षेत्रों के अंदर काम करती है, टाटा कैपिटल आई है, जो स्किल के क्षेत्र में भी काम कर रही है, जो सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रही है, टीवीएस सप्लाई चेन आई है, वेल एक्सपेंशन इंटरनेशनल आई है, अंबुजा सीमेंट आई है, सिंथेटिक्स आई है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई हैं, जो कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे वर्क फोर्स है, उनको नियोजित करने का काम करेगी। और ये नौजवान उस कंपनियों के अनुभव, कार्य संचालन और उनसे सीखकर देश और राष्ट्र की सेवा भी करेंगे और अपने स्किल्ड को और बेहतरीन करने का काम करेंगे। साथियों, आज दुनिया के अंदर भारत वह देश है जो आर्थिक रूप से सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया के अंदर भारत सबसे विशाल विविधता वाला और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन उसके साथ साथ
जितनी हमारी विशालता है, जितनी हमारी विविधताएं हैं, जितना हमारा लोकतंत्र है, उतना ही बौद्धिक क्षमता से, कौशल से, इनोवेशन से, रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर भारत का नौजवान दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। हमारे भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्यकुशलता अद्भुत है और इसीलिए आज भारत के अंदर भी और दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भी कोई भी चुनौती आती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी संकट आता है या देश के लिए उनको कार्य संचालन में सुविधा और कुशलता है, उसके लिए अगर हर चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम है तो ये भारत का नौजवान है। और इसीलिए वेदमणि तिवारी जी ने सही बताया कि हम आईटी सेक्टर के अंदर दुनिया के देशों से बहुत लेट आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी लेट आए, लेकिन आज दुनिया के अंदर जितने विकसित देश हैं वहां भी अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो भारत का आईटी का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन बड़ी कंपनियों का सीईओ है तो भारत का नौजवान है। यह हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है और इसीलिए मेरे दूर दराज के गांव में बैठा हुआ नौजवान जिसकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, कार्य कुशलता है, क्षमता है, सामर्थ्य है, उस नौजवान को कौशल देने की आवश्यकता है, उसको शिक्षा के साथ साथ वह किसी की न किसी क्षेत्र के अंदर अपने को कौशल करे, स्किल्ड करे, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज भारत की ताकत है कि भारत ने अपने दम पर इन नौजवानों की ताकत के बल पर 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं। वो स्टार्टअप हर समस्या का समाधान भी दे रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है जो दुनिया की बड़ी कंपनियों से बेहतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर, फरवरी के अंदर, जब कोटा के अंदर एमएसएमई और स्टार्टअप का मेला लगेगा तो आप देखेंगे दूर दराज का गांव का नौजवान ने किस तरीके से नए इनोवेशन से, नए रिसर्च से दुनिया के अंदर जो समाधान निभा, वो दूर दराज के गांव के किसान के बेटे ने उस चुनौतियों का समाधान कर देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम किया। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में अगर भारत नेतृत्व करेगा तो हमारे नौजवानों के कारण करेगा, उनकी उद्यमिता, उनके कौशल के काम के कारण करेगा। इसलिए आप पर भरोसा है भारत के प्रधानमंत्री जी का, हमें अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो नौजवान ने सबसे बेहतरीन काम किया है, जो सबसे नया रिसर्च किया, इनोवेशन किया है, भगवान ने मुझे मनुष्य दिया है, जीवन दिया है, मैं भी उतना ही बेहतरीन रिसर्च इनोवेशन कर दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करने का काम करूंगा। और इसीलिए आज हमारी वर्कफोर्स दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है।
कोई समय ये कहा जाता था कि भारत की आबादी अभिशाप है, भारत के नौजवानों को रोजगार कहां मिलेगा। आज ये गांव का बेटा नौजवान रोजगार देने वाला भी बन रहा है और रोजगार लेने वाला भी बन रहा है। और एक समय मैं जब देखूंगा, जब मेरे गांव का शहर का नौजवान खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर 5 नौजवानों को रोजगार देगा और इसी भारत के अंदर एक व्यक्ति भी बेरोजगार न रहे, इस लक्ष्य से हम सबको सामूहिक मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे आईटी का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे आधुनिक मशीन के युग का हो, दुनिया के अंदर वर्क की नेचर के परिवर्तन के साथ हमें भी अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज दुनिया के बदलती परिस्थिति के अंदर कार्य का दिशा परिवर्तन हुई है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर चले जाएं, तो आज दुनिया के अंदर आईटी के नौजवानों की डिमांड भारत में भी है और भारत के बाहर भी है। तो हमें किस दिशा की ओर शिक्षा प्राप्त करनी है, किस दिशा की ओर कौशल प्राप्त करना है, बदलते भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो कार्य के परिवर्तन हुए हैं उसके साथ हमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए नेचर ऑफ जॉब जिसे कहते हैं कि आज ये जो ड्रोन उड़ रहा है, एक समय आएगा जब देश के हर किसान के खेत पर ड्रोन होगा और उसको ये गांव में रहने वाला नौजवान उड़ाकर और अपने गांव में खेती कर उसके उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगा। एक समय आएगा जब गांव में पैदा होने वाला वह मक्का हो, बाजरा हो, ज्वार हो, जिसको मिल्ट कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं, दुनिया के अंदर उसकी सबसे बड़ी डिमांड होगी और इस डिमांड को उगाने के बाद, उसका वैल्यू एडिशन करने के बाद, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने का काम करेगा तो भारत के नौजवान किसान का बेटा करेगा। आज मुझे खुशी है कि हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं तो हमारा नौजवान -15 डिग्री पर भी सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करने का काम गांव का नौजवान करता है। चाहे वह सेना में हो, चाहे अर्धसैनिक बल में हो, चाहे तपती धूप में हो। और इसी तरीके से किसान और किसान का बेटा सर्द ठंडी लहर के अंदर भी गांव के अंदर खेती कर अन्न उत्पादन करके अन्नदाता के रूप में देश की सेवा करने का काम कर रहा है। हमें बड़ी अपेक्षाओं से, बड़ी आशाओं के साथ हमारे पिताजी ने शिक्षा कौशल के लिए हमें भेजा है। पिताजी ने बड़ी आशाओं के साथ आपको अच्छी शिक्षा दी, उच्च शिक्षा दी, और हमें पिताजी की उन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करना है। हमें देश के नवनिर्माण के अंदर, विकसित भारत के अंदर योगदान देना है तो हमें शिक्षा के साथ साथ हमारी कौशलता को भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसलिए आज आप यहां पर नौकरी लेने आए हैं, मैं चाहता हूं ये भारत का नौजवान आने वाले समय में नौकरी देने वाला बने। और इसीलिए गांव के अंदर कौन से उद्योग लग सकते हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये बूंदी के अंदर आप चले जाएं, आज बूंदी के अंदर चाहे सब्जी हो, सब्जी के पैकिंग हो, सब्जी के वैल्यू एडिशन का काम हो, किसी जमाने में चावल की पेड़ी का उपयोग नहीं होता था, आज उसी चावल का तेल दुनिया के अंदर जा रहा है।
इसलिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी विचार करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जिस सेक्टर में भी आपने काम किया है, आज आपको आपके अपॉर्चुनिटी से जो मिले ना मिले, हार और निराश कभी मत होना। दुनिया के अंदर जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा जो व्यक्ति चुनौतियों से लड़ता है वही जीतता है, जो हारता है वही अनंत जीतता है, जो किसी कंपटीशन में बैठेगा तभी पास और कभी फेल होगा, जो कंपटीशन से भागेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। आज नौकरी मिलने के लिए लोग जो यहां पर आए हैं, नौकरी लेने आए हैं, इतिहास के अंदर आप पढ़ोगे बड़े लोगों की, वह भी आपकी तरह नौकरी लेने आए थे, नौकरी करते करते आज देश और दुनिया के अंदर सबसे अरबपति करोड़पति सेठ है, तो भारत का नौजवान, गांव का नौजवान है। इसलिए मेरी अपेक्षा यहां पर नौकरी करने तक ही नहीं है कि आपको कोई जॉब मिल जाए 25,000 की, 30,000 की, 50,000 की। ये तो समय अभी आप एक साल दो साल बाद देखेंगे। दुनिया के अंदर भारत का जैसी वर्कफोर्स कहीं नहीं है, दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की डिमांड है, लेकिन हम भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, मुझे आशा है मेरा नौजवान आने वाले समय में नौकरी देने वाला बनेगा। आप अभी कुछ नौ दिन नौकरी करेंगे, वहां सीखेंगे, कौशल करेंगे, अनुभव करेंगे। मैं अभी कुछ दिनों पहले जितने देशों में गया, उन देशों में मैं अनुभव किया कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति वहां पर नौकरी करने आया था। मैंने कहा किस लिए आए थे, कि मैं यहां पर कपड़े की रेडीमेड की दुकान पर नौकरी करने आया था। मैंने कहा क्या किया, कि कुछ दिन मैंने नौकरी की, आज मैं यहां पर 10 फैक्ट्री का मालिक हूं। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे, इंडोनेशिया में देखा, मेक्सिको में देखा, सुरीनाम में देखा, जापान में देखा। बूंदी का व्यक्ति जापान के अंदर एक छोटे से नौकरी करने गया था, आज 4 होटल उसके जापान के अंदर है और एक आईटी की बड़ी कंपनी चला रहा है। और इसलिए आप भी आज यहां पर नौकरी करने आए हैं, वक्त आएगा कि दुनिया के अंदर बड़ी कंपनी के रूप में आप नौकरी देने वाले बनोगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज जो जॉब मिलती है, नेचुरल जॉब मिलती है, उसका प्रयास करो, नहीं मिलता है तो फिर हम प्रयास करेंगे। देश के अंदर अब जॉब्स की कमी नहीं है, डिमांड बहुत है, लेकिन हमें उसके मुकाबले में उस स्तर का कौशल बनाना पड़ेगा, उसकी स्किल्ड बनानी पड़ेगी। जो नए नेचर के जो जॉब आ रहे हैं, उन नए जो नेचर के जॉब के अनुसार हमें स्किल्ड करना पड़ेगा कि ड्रोन उड़ाने के लिए कितने नौजवानों की आवश्यकता पड़ेगी देश में। बूंदी का हर व्यक्ति 3 दिन इस कंपनी के ड्रोन यहां पर रहेंगे और आने वाले समय के अंदर आप कहेंगे तो एक कंपनी को कहेंगे कि कंपनी का व्यक्ति यहां पर एक लगाए और बूंदी का हर व्यक्ति ड्रोन चलाना सीखे, और आने वाले समय के अंदर बूंदी का नौजवान यहां पर भी और दुनिया के अंदर ड्रोन के माध्यम से खुद अपना ड्रोन का मालिक हो। 90% सब्सिडी है, 10 पैसे जमा करने और अलग अलग खेतों में जाकर रोजगार भी दे और रोजगार के साथ खुद भी कमाने का काम करे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब आप फरवरी के अंदर आएंगे तो आप जैसे नौजवानों को आप जब देखोगे कि किस तरीके के उन्होंने स्टार्टअप किए हैं, किस तरीके से छोटे छोटे काम। मुझे कल एक वीडियो बनाते हुए लड़का मिला, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कि वीडियो बना रहा हूं। मैंने कहा हमारा खाने का क्यों वीडियो बना रहे हो, कि मैं क्या करता हूं कि कोटा में कौन सा खाना, कचौरी कहां मिलती है, उसका वीडियो बनाता हूं और 1 लाख रुपया कमाता हूं, लोग कंपनी को मुझे देते हैं। आप लोग देखो,
कितने लोग किस तरीके का जॉब करते हैं। हमें हमेशा अपने मन में नया इनोवेशन सोचते रहना चाहिए, नया रिसर्च करना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, किस तरीके से जॉब की आवश्यकता है, हम क्या कर सकते हैं, हम किस में स्किल्ड हो सकते हैं। हर गांव के अंदर भी इंटरनेट पहुंचने लगा है। आप गांव में मोबाइल देखो तो मोबाइल के अंदर हर समय नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए सोच, नए चिंतन को देखो। जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो उसकी कहानी को पढ़ो, जो दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया स्टार्टअप बनाने वाले उसकी जीवन को पढ़ो और उससे सीखो कि हमें भी इसी तरीके का जॉब क्रिएशन वाला बनना है। हमें जॉब तो लेने आया हूं लेकिन आने वाले समय में जॉब देना है। बैंक का मेला लग रहा है 8 जनवरी को कोटा में, वहां पर आप आए। किस नेचर के जॉब के आधार पर ऋण लेना चाहते हैं, मुद्रा बैंक के अंदर बिना गारंटी के आपको 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। जो बैंक लोन नहीं देगी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप गांव के अंदर छोटा काम करना शुरू करो, शहर में छोटा काम करना शुरू करो। अरे एक लड़की यहां से मटर खरीद कर घर घर जाकर मटर बेचकर रोज 1,000 रुपया कमाती है। ऐसे बहुत सारी दुनिया के अंदर जॉब ऑफ क्रिएशन है। जब आप क्रिएटिव मेले के अंदर आओगे, स्टार्टअप मेले के अंदर आओगे, मैंने अभी दिल्ली के अंदर कृषि का स्टार्टअप मेला देखा, मैंने बम्बई में स्टार्टअप मेला, मैं दंग रहेगा कि दुनिया के अंदर भारत का नौजवान क्या क्या कर रहा है। और इसीलिए मुझे आज मैंने ये बूंदी के अंदर इसलिए कौशल मेला लगाया कि बूंदी के गांव को अपने घर के पास नौकरी के अपॉर्चुनिटी मिले, यहां से कुछ सीखे और आने वाले समय में बूंदी के लोगों को रोजगार दें। क्योंकि अगर बूंदी का व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक बनेगा तो बूंदी के लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, आज जो कुछ भी जॉब की अपॉर्चुनिटी उसकी कोशिश करें, फिर नए स्किल्ड क्षेत्रों के अंदर भी आपको यहां से जानकारी मिलेगी किस तरीके की डिमांड है, हमें किस स्किल्ड की ओर बढ़ना है, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। और उसके साथ अपनी कौशल उद्यमिता को और सर्वश्रेष्ठ करने का काम करें। हमारे में ही क्षमता है, मैं ही जीवन के अंदर परिवर्तन करूंगा। बौद्धिक चिंतन क्षमता, इनोवेशन, रिसर्च करने की ताकत मेरे में ही है और मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। इस रोजगार मेले का इसी लक्ष्य के साथ आपको जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।